दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉक्सर की जिन्होंने खेल के दौरान दूसरे खिलाड़ी का कान चबा लिया और इन्होंने गरीबी देखी और स्ट्रगल करके नाम और शोहरत कमाया और इन्होंने अपना पैसा भी बर्बाद किया। दोस्तों आज की वीडियो में हम बॉक्सर माइक टायसन के लाइव स्टोरी और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे। अगर आप माइक टायसन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइक टायसन का रियल नेम माइकल जेरार्ड टायसन है और निकनेम आयरन किड डायनामाइट और द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट है। माइक टायसन प्रोफेशन से एक बॉक्सर है। माइक टायसन का जन्म 30 जून 1966 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क यूएस में हुआ और 2022 के हिसाब से 56 साल के हैं। दोस्तों माइक टायसन का बचपन बेहद गरीबी में बीता। जब वे 10 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया और टायसन को बॉक्सर मैनेजर और ट्रेनर कूच डी मैटो के भरोसे छोड़ दिया गया। गरीबी और आपराधिक इलाके में रहने के कारण टायसन बार बार छोटे मोटे अपराध करते हुए पकड़े जाते थे। 13 साल की उम्र तक टायसन को 38 बार गिरफ्तार किया गया था। उनकी मुक्केबाजी की खोज बॉबी स्टीवर्ट ने की थी जो एक डिटेंशन सेंटर के काउंसलर और बॉक्सर थे। टायसन ने हाई स्कूल बीच में ही छोड़ दिया और 1989 में सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट इन ह्यूमन लेटर सम्मानित हुए। अब बात करते हैं माइक टायसन के करियर के बारे में। अपनी फुर्ती और जबरदस्त ताकत के दम पर माइक ने 1981 और 1982 में जूनियर ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते। जूनियर ओलंपिक्स में सबसे तेज नॉकआउट करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, जिसमें उन्होंने अपने ओपोनेंट को महज 8 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद माइक को किड डायनामाइट एंड आयरन माइक कहा जाने लगा। माइक टायसन ने 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और जीत का सिलसिला शुरू हो गया। माइक ने अपने करियर के पहले ही साल में 15 बॉट्स लड़ी और सब में जीत हासिल की। माइक के सामने कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता था। माइक टायसन ने अपने करियर के पहले 19 मैच नॉकआउट से जीते। माइक ने अपना पहला टाइटल मैच नवंबर 1986 में टेरवर बेरबिक के अगेंस्ट खेला। माइक टेक्निकल नॉकआउट से जीत गए और महज 20 साल 4 महीने की उम्र में दुनिया के यंगेस्ट हैवी वेट चैंपियन बन गए। अब उनके पास कई मिलियन डॉलर थे, वो काफी फेमस हो गए थे, वो जो चाहे वो कर सकते थे। 1987 से 1990 तक टायसन ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के रूप में टाइटल अपने नाम किया। 1992 में टायसन को बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और उसे 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। माइक टायसन ने जेल में अपने धर्म को बदल लिया और इस्लाम कबूल कर लिया और माइक बन गए मलिक अब्दुल अजीज, जिसके बाद उनकी सजा कम कर दी गई और उनके अच्छे चलन से उन्हें 3 साल में ही रिहा कर दिया गया। 1995 जेल से छूटने के बाद टायसन वापसी के कई मुकाबले में लगे रहे। उन्होंने 1995 में कमबैक किया और अपने फोकस के दम पर उन्होंने फिर से वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लिया। अब वो वापस पैसा और शोहरत हासिल कर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था तब उनकी मुक्केबाजी हुई एवेंडर होलीफील्ड के साथ। इस मुकाबले में वो पहले से ही काफी कमजोर दिखने लगे थे। उन्हें लगा कि वो होलीफील्ड को हरा नहीं सकते और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने होलीफील्ड का एक कान चबा लिया। ये स्पोर्ट्स के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक था। उन्हें हर जगह कोसा जाने लगा। ऑडियंस के साथ उनके गाली गलौज के मामले भी सामने आए। उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। उन्होंने WWF में हाथ आजमाया पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। 1 साल बाद बॉक्सिंग वर्ल्ड में कमबैक करने के बाद वो नाकाम रहे। 2005 में माइक टायसन बॉक्सिंग से रिटायर हो गए। बॉक्सिंग से संन्यास लेने के बाद माइक ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और माइक ने कई सारे फिल्मों में एक्टिंग भी की और उनकी एक्टिंग ने लोगों को फिर से माइक का दीवाना बना दिया था और माइक ने कई सारे अवार्ड भी जीते। दोस्तों माइक ने अपने करियर में कुल 58 बॉट्स लड़ी, जिनमें से सिर्फ 6 में ही हार का सामना करना पड़ा। माइक पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं जिनके पास एक ही वक्त में WBA, WBC और IBF जैसे टाइटल थे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना माइक टायसन आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको माइक टायसन की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है पार्सल टायसन और इनके स्टेप फादर का नाम है जिम्मी किर्क पैट्रिक और इनकी माँ का नाम है लोना स्मिथ। इनके 2 भाई है जिनका नाम है रोडने टायसन और दूसरे भाई का नाम है जिम्मी ली किर्क पैट्रिक। और माइक टायसन की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम डिनाइस टायसन है, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं बात करें माइक टायसन के वाइफ के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं माइक टायसन ने 3 शादी की है। इन्होंने पहली शादी रॉबिन गिवन से 1988 में की, लेकिन 1 साल बाद 1989 में दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद माइक टायसन ने दूसरी शादी मोनिका टर्नर से 1997 में की, लेकिन 2003 में इन दोनों का भी तलाक हो गया। और फिर तीसरी शादी माइक टायसन ने लखिया स्पाइसर से 2009 में की और ये करंटली इनकी वाइफ है। और मैं आपको बता दूं माइक टायसन के टोटल 8 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटी और 4 बेटे हैं, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं।
अब बात करते हैं माइक टायसन के हाउस के बारे में। तो दोस्तों माइक टायसन लास वेगास के सुंदर से एक मेंशन में रहते हैं जो इन्होंने 2001 में 2.5 मिलियन डॉलर का बनवाया था और ये मेंशन पूरे 8149 स्क्वायर फीट में बना हुआ है जिसमें 6 लग्जरी बेडरूम और 6 बाथरूम और साथ ही साथ पार्क, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट भी है। ये मेंशन हर तरह की फैसिलिटीज से लैस है जैसा कि आप माइक टायसन का मेंशन देख सकते हैं। वहीं बात करें माइक टायसन के कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इनके पास विंटेज कार के साथ ही साथ कई लग्जरी कार भी है। इनके कलेक्शन में पहली कार है कैडिलैक एल्डोराडो जिसकी कीमत है 30,000 US डॉलर जो इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 23 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है 1973 रोल्स रॉयस कॉर्निश जिसकी कीमत है 47,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 35 लाख रुपीज और तीसरी कार इनके पास है 1987 रोल्स रॉयस सिल्वर स्पर जिसकी कीमत है 74,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 56 लाख रुपीज और चौथी कार इनके पास है लैम्बोर्गिनी सुपर डियाब्लो जिसकी कीमत है 2,45,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 3.71 करोड़ रुपीज और फिफ्थ कार इनके पास है बेंटले कॉन्टिनेंटल SC जिसकी कीमत है 3,00,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 2.22 करोड़ रुपीज और सिक्स्थ कार इनके पास है फरारी F50 जिसकी कीमत है 4,75,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 3.52 करोड़ रुपीज और सेवंथ कार इनके पास है रोल्स रॉयस कुलिनन जिसकी कीमत है 3,30,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 6.95 करोड़ रुपीज और एथ कार इनके पास है रोल्स रॉयस फैंटम जिसकी कीमत है 4,50,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 9 करोड़ रुपीज और नाइन कार इनके पास है फरारी F4 560 GT स्पाइडर जिसकी कीमत है 1.5 मिलियन यूएस डॉलर और इंडियन करेंसी में 11 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं माइक टायसन के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 15 मिलियन यूएस डॉलर जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 119 करोड़ रुपए। हालांकि दुर्भाग्य से उन्होंने अपने कमाए गए 430 मिलियन यूएस डॉलर को बर्बाद कर दिया। अंत में उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया के दस्तावेज के अनुसार उन पर उस समय 23 मिलियन का कर्ज था। तो दोस्तों ये थी माइक टायसन की लाइव स्टोरी और लाइफ स्टाइल। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।